इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे BHEL को लेके बात करेंगे, जहाँ पे BHEL ने एक MOU साइन किया है GE पावर कन्वर्जन के साथ। और इस MOU के अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है यानी कि IEPS वो डेवलप करने जा रही है। तो IEPS को लेके जो एक वार्ता है UK के साथ यानी कि रोल्स रॉयस के साथ, वो ऑलरेडी चल रही है। और यहाँ पे जो एक सेपरेट MOU है वो देखने को मिला है BHEL और GE के बीच में। तो इस MOU के अंतर्गत जो भी एक्सपर्टीज होगी, फैसिलिटीज होंगी GE की, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली है भारत में जो IEPS है उसको बनाने के लिए और इंडक्ट करने के लिए। अगर हम IEPS की बात करते हैं, जिसको आमतौर पर एक ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम के रूप में देखा जा रहा है जिनका जो एप्लीकेशन होगा वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ने वाला है। अगर उस प्रोस्पेक्ट से बात करोगे तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो काफी वास्ट है और उनको ही भारत में बनाया जाएगा। अगर यहाँ पे हम GE के IEPS के बारे में बात करते हैं तो कई तरह के एप्लीकेशन में जाने वाले हैं। ये एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन रहेगा। एप्लीकेशन की बात करोगे तो जो आपके डिस्ट्रॉयर हो गए, फ्रिगेट हो गए या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अगर यहाँ पे ओवरव्यू की बात करोगे तो ये जो सिस्टम रहने वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंट रहेंगे, काफी रोबस्ट रहने वाले हैं और जो कॉस्टिक साइन होगा वो काफी कम रहेगा इन शिप का। तो बेसिकली इस तरह के सिस्टम में आप क्या करने जा रहे हो, जो एक कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन का, वो बनाने जा रहे हो, जहाँ पे प्राइमरली आप एनर्जी को स्टोर करोगे एक फॉर्म में और उसका इस्तेमाल करोगे प्रोपेल होने के लिए। मतलब जो पावर टेकिंग होगा वो शाफ्ट ड्रिवन होगा, जो कि इलेक्ट्रिकली ड्राइव किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जो नॉइज होगी वो कम प्रोड्यूस होगी और जो पावर टेक ऑफ होगा वो शाफ्ट के घूमने के बाद वहाँ से आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जनरेट कर लोगे। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये होता है कि जो PTI होगा वो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होगा और जो PTO होगा यानी कि पावर टेक ऑफ शाफ्ट, जो कि पावर जनरेशन में हेल्प करेगा। अगर यहाँ पे कुछ एडवांटेज की बात करते हो तो जो ओवरऑल लाइफ कॉस्ट होगी वो कम रहने वाली है मैकेनिकल सिस्टम के कंपैरिजन में। फ्यूल सेविंग यहाँ पे आपको दिखेगी, जो भी आपके प्राइम मूवर्स हैं उनको आप ऑप्टिमली इस्तेमाल कर पाओगे क्रूजिंग स्पीड तक। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि इस सिस्टम का जो इस्तेमाल है वो किसी भी तरह के एप्लीकेशन के लिए आप कर पाओगे, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगी और जो प्राइम मूवर्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको कम पड़ेगी। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलने के लिए अगर आपको XYZ सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो जो बाकी के एलिमेंट है इस पर्टिकुलर सर्कल में उनको आप बंद कर पाओगे और जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है उन्हीं को इस्तेमाल कर पाओगे। अगर ऐसा होता है तो जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी वो भी रिड्यूस होगी। बात यहाँ पे करते हो सब सिस्टम की, तो जो MV3000 कन्वर्टर उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए, ये इसकी प्राइम टेक्नोलॉजी है। इस पूरे IPPS सिस्टम का अगर मुख्य एलिमेंट बात करोगे वो CIM है यानी कि कॉम्पैक्ट इंडक्शन मोटर, जो कि जुड़ा रहेगा प्रोपेलर से, आपके शिप के प्रोपेलर से। इस पर्टिकुलर CIM को जो टेस्ट है हार्श एनवायरमेंट में वो प्रूव कर लिया गया है और यहाँ पे इसने अपने टेस्टिंग के टाइम पे जो रिलायबिलिटी है वो फैक्टर हायर रूप में प्रूव किया है। इसका जो एक मॉडल है वो लास्ट डिफेंस एक्सपो में भी लगाया गया था, जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे CIM के अंदर ही जो रिडक्शन गियर है वो दिए गए हैं। CIM सक्षम है लो और हाई स्पीड दोनों पे ऑपरेट होने में। मतलब कहीं पे आपके शिप के प्रोपेलर पे जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो कम है तो इंडिविजुअली जो दोनों प्रोपेलर हैं उनका रोटेशन यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो और ये जो सिस्टम है वो हायर टॉर्क डिलीवर कर सकता है। यहाँ पे इसकी मुख्य बात ये है कि जो मोटर है इसके अंदर, यहाँ पे GE क्लेम करती है क्वाइटेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इंडक्शन मोटर के अंदर ही जो सप्रेशन के एलिमेंट है नॉइज को रिड्यूस करने के लिए वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो दिए गए हैं, जो कि इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। जैसा कि GE क्लेम करती है, किसी पॉइंट इन टाइम पे मोटर के अंदर फेलियर से बचने के लिए जो मल्टीपल अरेंजमेंट है वाइंडिंग की वो की गई है, जिससे कि जो रिडंडेंसी है वो हायर रूप में बनी रहे। तो इस पूरे सिस्टम को आप कन्वर्ट कर सकते हो फुली इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में, जहाँ पे जो आपका मैकेनिकल प्रोपल्शन का पार्ट होगा वो ऑलमोस्ट आप एलिमिनेट करते हो और ज्यादातर जो पावर है वो स्टोरेज पावर से लेके आप ड्राइव होते हो। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा है, चार जो जनरेटर हैं वो पावर प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, उनको आप स्टोर कर लोगे और स्टोर करने के बाद जो उनका इस्तेमाल है वो बाद में किया जाएगा AIM पे यानी कि एडवांस इंडक्शन मोटर पे, और पावर को अप करने के लिए जो आपका AIM है उसके पीछे जो कन्वर्टर्स हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल है गैस टरबाइन का वो जब सिचुएशन डिमांड करेगी आप तभी करोगे, क्योंकि उसका भी जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है। सो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, जहाँ पे BHEL GE का जो IEPS है वो भारत में बनाएगी। यहीं पे हम बात कर लेंगे AMC के इंजन को लेके, जिसके लिए हम सभी अवेयर हैं कि 110 kN का जो इंजन है वो डेवलप होना है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो फॉरेन पार्टनर है वो फ्रांस के रूप में देखा जा रहा था और काफी हद तक जो वार्ता है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो इसके बारे में कुछ जो नए डेवलपमेंट है वो भी हाल ही में आपको देखने को मिले हैं। जो पहला डेवलपमेंट रहेगा, जहाँ पे MOD ने एक डायरेक्टिव दिया है कि ये जो पर्टिकुलर डील है उसको जल्द से जल्द फाइनल किया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जाए, ताकि जो इस पे काम है वो जल्द से जल्द शुरू हो। क्योंकि आने वाले दिनों में कई सारे जो आपके प्रोजेक्ट हैं फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके वो आपने शुरू किए हुए हैं और उनमें ज्यादातर जो इंजन है वो इम्पोर्टेड ही रहने वाला है।
जो एक स्वदेशी इंजन का होना कहीं कहीं आपको सेल्फ रिलायंस बनाएगी। और जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, मतलब जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके जो ओरिजिन कंट्री है वो काफी हद तक उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं समय आने पे अपने लाभ के अकॉर्डिंग, तो उस चीज को देखते हुए सेल्फ रिलायंस होना एक समय की मांग आप कह सकते हो। अब वो चली है और तभी जो इंजन का डेवलपमेंट है उसको पुश किया जा रहा है। तो ये पहला पार्ट होता है। अगर सेकंड पार्ट की यहीं पे बात करते हो तो एक नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन को डेवलप करने के लिए जो उसका कंबस्टर होता है वो आप कहोगे की रहेगा, तो एक वैसे ही कंबस्टर के डिजाइन को शुरू किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन का जो गैस टरबाइन जेट इंजन है उसके लिए कंबस्टर की जो स्टडी है वो शुरू की गई है DRDO के द्वारा। तो अभी यहाँ पे जो स्टडी है वो कंडक्ट की जा रही है और इस पर्टिकुलर स्टडी के लिए जो फैसिलिटी होगी उसके डेवलपमेंट के लिए जो टेंडर निकाले गए हैं जहाँ पे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो अगले 7 से 8 महीनों में आपके नेक्स्ट जनरेशन के गैस टरबाइन इंजन के लिए जो भी कंबस्टर होगा उसमें क्या कुछ आपको टेम्परेचर चाहिए होगा टरबाइन के इनलेट पे और कंबस्टर से निकलने के बाद वो चीज़ आप यहाँ पे अचीव करोगे। और वैसे ही जो मटेरियल का इस्तेमाल है प्लस जो वे ऑफ एटमाइजेशन है, मिक्सिंग है, ये सारी चीज़ें अचीव की जाएंगी जिससे कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को अचीव कर पाओ इनलेट गैस टरबाइन पे जो कि आपको एक हायर थ्रस्ट दे पाए ओवरऑल सिनेरियो में। तो वो चीज़ अचीव करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है और ये काम शुरू कर दिया गया है GTRE के द्वारा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।